हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा ग्रुप डी भर्ती को लेकर आई नई अपडेट पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रुप डी का डीवी कब तक होगा और फाइनल रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। इसके अलावा नो जॉब वाले 5 नंबर जिन दोस्तों को नहीं मिले हैं वो किस तरह से अपने 5 नंबर ले सकते हैं, और जिनको गलती से नो जॉब वाले 5 नंबर मिले हैं वो किस तरह से अपने 5 नंबर ले सकते हैं, और जिनको गलती से नो जॉब वाले 5 नंबर मिले हैं वो किस प्रकार से अपने क्लेम को वापस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा ग्रुप डी के रिजल्ट में जिनका स्टेटस पास यानी क्वालिफाई शो कर रहा है, जिनके भी 60 या 65+ मार्क्स है, वो जल्दी से अपने कागज तैयार करवा लें। जैसे कि नया 2024 वित्त वर्ष की EWS सर्टिफिकेट, नया हरियाणा डोमिसाइल जिस पर फैमिली आईडी नंबर अंकित हो, नया 2024 वित्त वर्ष की इनकम सर्टिफिकेट, नया जाति प्रमाण पत्र SC और BC सर्टिफिकेट जिस पर फैमिली आईडी नंबर अंकित हो। अब जल्द ही सरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कभी भी बुला सकती है। इसके अलावा जिन दोस्तों की कैटेगरी चेंज हो रखी है हरियाणा ग्रुप डी स्कोर कार्ड में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी बिल्कुल सही है और अब स्कोर कार्ड में HSSC की तरफ से चेंज हो गई है तो आपका समाधान हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर अब ये कोई चाहता हो कि मैं अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता हूं क्या, तो आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। HSSC की तरफ से कोई गलती हुई है तो आपका समाधान हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो नंबर के लिए एलिजिबल थे और उन्हें नंबर नहीं मिले तो उन्हें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, उनका भी समाधान हो जाएगा। 2 से 3 दिन का वेट करो। जिस अभ्यर्थी को CET ग्रुप डी में नो जॉब के 5 नंबर नहीं मिले तो जल्द एक पोर्टल जारी होगा, उसके माध्यम से आप क्लेम कर पाएंगे, और जिन्होंने गलत नंबर ले लिए है वो वापस भी ले सकता है। अब DV से पहले 1 वीक तक सभी ग्रुप डी के लिए पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको जो भी गलती नजर आए उसमें कुछ हद तक बदलाव कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और अधिक हरियाणा ग्रुप डी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।